आज 14 अगस्त 1947 के दिन जहाँ एक और देश को आज़ादी मिली, साथ ही उस दिन इस देश का विभाजन भी हुआ। चेहरे पर उनके आएगी खुशी और हो जाएंगी सारी शिकायतें गुम। अपने हीरे को पहना ये हीरा और कहिए हीरा हो तुम। हीरे के गहनों की कीमत पर पाइए 20% तक की छूट। आज ही विजिट करें तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शिवदेलागू। आज 14 अगस्त 1947 के दिन जहां एक और देश को आज़ादी मिली, साथ ही उस दिन इस देश का विभाजन भी हुआ। उस विभाजन के कारण आज उस समय जो विभीषिका का दृश्य बना, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने मैं आह्वान किया है और समाजों के भी मन पर, बुजुर्ग लोगों के ऊपर यह विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आज यह देश मना रहा है। वो विभाजन की जो विभीषिका थी वह इतनी भयावह थी कि लगभग इसमें 10 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ से अधिक लोग अपने विस्थापित हुए, जिन्होंने अपना सब घर बार सब त्याग करके और वह अपने इस देश भारत की ओर आए और वहाँ सारी संपत्ति छोड़ के आए। कई माताओं के सिंदूर पहुँच गए और कई माताओं की गोदें सूनी हुई। इस प्रकार का जो दृश्य था, मैं समझता हूँ बहुत ही भयावह था। उसके बाद इन लोगों ने, विशेष रूप से सिंधी समाज और सिख समाज दोनों अधिक प्रभावित हुए, दोनों ने यहाँ आकर के अपने कठोर परिश्रम से अपने को आपको स्थापित किया। और लेकिन वह दृश्य अभी भी उनके मस्तिष्क पर है। वहाँ पर अपने मंदिर छोड़ाए, सारे धार्मिक स्थान वहाँ पे छूट गए और यहाँ तक अपने धंधा तो सारा छूटा ही, लेकिन साथ में यहाँ आकर के किस तरह से एक विस्थापित के रूप में यहाँ पे उन्होंने अपना किया। मैं समझता हूँ उस सारे हम दृश्य को अगर कल्पना करते हैं तो एक बार सहरन सी हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। तो उस विभीषिका को याद करते हुए हम जिस कारण से आज भारत में आए, उस भारत को ऊंचा करने के लिए हम सब एक कठोर परिश्रम से भारत को, चाहे आर्थिक दृष्टि से, चाहे अन्य सामाजिक दृष्टि से, चाहे अन्य दृष्टि से उच्च शिखर पर पहुंचाने में ये दोनों समाज आज भी अग्रणी हैं। मैं बाकी सबसे अपील करता हूँ कि उस विभाजन की जो परिस्थितियाँ निर्माण हुई, वैसे देश में भविष्य में इस प्रकार का किसी प्रकार का विभाजन नहीं हो। हम देश को एक रूप में रखें, इस देश की एकता के लिए हम राष्ट्रभक्ति का भाव नई पीढ़ी में जागृत करें, ताकि हमारा देश विश्व के इस स्टेज पर परचम अपना फहरा सके, विश्व के स्थल पर हम लोग एक आगे बढ़ सकें। यह भारत जो मूल पहले एक विश्वगुरु के स्थान पर कहलाता था, तो वह विश्वगुरु वहाँ पर आज भी है और कल भी रहेगा। इस प्रकार के नई पीढ़ी के अंदर इस जज्बात को जागृत करें कि देश को जो आज़ादी मिली है वह बहुत ही कई लाखों लोगों के बलिदान से मिली है, इसलिए उसका स्मरण दिलाने के लिए यह हुआ है। और साथ में मैं ये भी एक आपसे, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज जो दृश्य मोदी जी के कारण ये अमृत महोत्सव के दौरान जो सारा घर घर तिरंगा का जो दृश्य हुआ है, सारा देश आज तिरंगामय बना है। मेरा अजमेर आज तिरंगामय है और उसके पीछे एक ही भाव है कि हम सब लोग मिलकर के 47 के बाद 75वें वर्ष में यह भारत तिरंगामय बना है। वही जोश है, वही खरोश है और वही उत्साह है। हम सब लोग मिलकर के इस देशभक्ति का जज्बा नई पीढ़ी में कायम करें और पुरानी पीढ़ी भी हम एक प्रेरणा दें। हम जिएंगे तो देश के लिए जिएंगे और पढ़ेंगे तो देश के लिए पढ़ेंगे, व्यापार करेंगे तो देश के लिए करेंगे, कर्मचारी हैं देश के लिए काम करेंगे और मरेंगे तो देश के लिए मरेंगे। इस प्रकार का एक भाव आज के दिन हम जागृत करते हुए आगे बढ़ाएं। और अजमेर में जिस प्रकार से तिरंगा का होड़ सी लगी है कि अजमेर में सारे तिरंगे ख़त्म हो गए, हमको बड़ी मुश्किल से ब्यावर और पाली से गाड़ियां भेज करके मंगवाने पड़े। इस अजमेर शहर में मेरा अनुमान है कि 75,000 से अधिक झंडे लगेंगे और अजमेर उत्तर के अंदर 40,000 से अधिक तिरंगे बढ़ चुके हैं और अभी भी लोगों के लगातार आग्रह आ रहे हैं, चाहे वो मार्केट में व्यापारी हों चाहे अन्य हों। इस प्रकार का एक जो होड़ सी मची हुई है, मैं समझ जज्बा है जो इस देश को आगे ले जाएगा और अजमेर भी उसे किसी तरह से पीछे नहीं रहेगा।